तो आज रात घर ही में हमें जाग रहे, शाम के बचे हैं अभी 6-7 बजने वाले हैं, 6:45 हो गए हैं। और अभी मैं शिवालय में गया था पानी डालने के लिए, वहाँ पर तो वहाँ से आ रहा हूँ अभी है। और फिर इसके बाद मैंने कहा चलो क्यारी मिर्चे लगा रहे बाढ़ में ही हो, है ना, नन बोड़ रही है, सूख जाने आजकल गर्मी बहुत रही है, लू पड़े, लू पहाड़ मतलब लू चल, लू भयंकर वाला। तो मेरे को जरा सिंचाई करने नहीं रही है, मिर्ची बाढ़ से पूरा ही, ये तलगा फूल है पेड़ सोनी, और ये नीमा पेड़ से, ये संतरा पेड़ से नहीं लगा रही हूँ, और ये मिर्ची बाढ़ से मेरे पूरा ये वाले हैं। छोटे छोटे क्यारी बना रखे हैं हमने, मतलब 10-15 आइटम लगा रखे हैं, लेकिन छोटे छोटे बना रखे हैं। ये तलगे ब्योड़ से ये ब्योड़ में लाई लगा रहे हैं, लाई लगा साग खड़े है, जोरदार लाए गए बहुत लग रहे, मेरे लाया भी रहे हो पान, उन्होंने ला रहे पान, उन्होंने आजकल पान बराबर छो गनों में आजकल पोस्ट में 2-3 दिन गए पान टूटे से, बहुत मेहनत कर भी ला रहे पान गए, तो आजकल जरा लाई ला रहे साग खाना 2-4 दिन में। ये है मेरे बैगन की क्यारी, बैगन में बाढ़ छुई हो, बैगन की क्यारी है, तो पूरे बैगन बैगन है, ये देखिए आप, ऊपर मिर्ची के पेड़ हैं पुराने वाले, इसमें बहुत भयंकर मिर्ची लगते हैं अभी, ये पानी डालूंगा, ये 2-4 दिन बाद का रोल पड़ी है बहुत भयंकर, इसमें बहुत पूरा मिर्च, पूरा बैगन बाढ़ से मेरी है, और इसमें पुरानी मिर्ची भी हैं, ये उन्हें भी कलिया आ गया है, पहुँच गए हैं, मिर्ची लगने शुरू हो गया उन्हें भी, क्योंकि यह सीजनेबल सब्जी है, तो इसमें पानी ही ज़्यादा चाहिए इसमें। ओ बाप रे, बैगन लगे रहे यहाँ तो, ये बैगन है, खीरा है, खीरा से या बैगन से, बाप रे, देखा बैगन में लग गए मेरे तो, ये खाने वाले हैं। यह गोलू की बकरी भी आ गई, गोलू की बकरी आ गई है, हेलो गाइस, ये गोलू गांव से आ गया है, गांव से गोलू गोवा गया था, तो आज कहा लिख गया था बगरा को, सोना बोड़े मल्ली लिख गया था मंगा में, अच्छा तो बगरा तो गर्म है गया, तेरे बगरे को गर्म है गया यार, गरीब का गर्म हो गया ना, हाँ ये देख पानी पिलाओ नहलाओ इनको। तो ये अभी नए बैगन लगा रखे हमने ये, और ये नए बैगन मतलब ये अभी इसका बिनोल रखा हुआ था घर में घर वाली ने, और ये उसके लगाए हुए सारे सब्जियां, जितनी भी सब्जियां हैं हमारे, जितने भी क्यारी में हैं, सब सब्जी मेरे घर वाले ने अपने हाथ से लगा रखे हैं ये, और उसके हाथ से जो भी लगाते हैं सब जम जाते हैं वहाँ, मैं कितना भी मेहनत करूँ कितना भी लगाऊँ तो मेरे हाथ में जमते ही नहीं है, पता ना किचमी आदमी क्या है मेरे हाथ में ऐसा। ये नए वाले हैं, पुराने जो बैगन के पेड़ हैं उनमें तो बैगन लगे हुए हैं हमारे। तो आपको हर प्रकार के बैगन दिखेगी हमारे खेती में, ये आप देख रहे टेढ़े मेढ़े बैगन है, ये कुटाऊ है, कुटाऊ वाला बैगन है, ये इसको बोलते हैं कुटाऊ कहल वाला बैगन है, यहाँ भी है देखो ये अरे 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 ये है, ये दिख गया ये यहाँ छिपा साला तलवार ही, देखे तलवार बैगन यहाँ छिपा है, तलवार बैगन ये फिर मैं खुश नहीं रहा, तो ये छुरी है, ये छुरी वाला बैगन है, छुरी वाला बैगन देखिए ये नहला दिया हमने पूरा इसको, देखिए छुरी, ये छुरी है, तलवार छुरी खुखरी, जय भोलेनाथ, धतूरे का पेड़ है हमारा, और यहाँ सेमिया भी है, सेमिया का बगान भी है हमारा, सेमिया लगे हैं, जरिए देखिए पूरा सेमिया, यह
पूरा बेल है सीमिया के ऊपर तक है। ये देखिए आप सीमिया पूरा सीमिया लगा हुआ है ऊपर को। ये तो गए जी है हमारा सीमिया, सीमिया लगे हैं, छिम बोलते हैं इसको, छिम पहाड़ी में छिम बोलते हैं, छिम भी लगा है। ऊपर से बकरी खा दे रही है इसको, ये रास्ता है ना ऊपर से, ये तो ये बकरी नीचे ऊपर जा रहे हैं, बगदा के बकरी वो खा दे रहे हैं। यह लाल मिट्टी का खीरा है, इसमें हमने मिर्च लगाए हैं, इसमें तो बड़े हो गए हैं पेड़, इसमें तो मर गए, तो चार मतलब 8-10 पेड़ मर गए हैं फिर भी इसमें। एक सब कुशाण लगा रही है, कुशाण ये जो तिख वाले हैं, झोय वाले कुशाण, झोय वाले, यह कोई नेपाला कुशाण से नहीं हो, कोई भूटान, यह भूटान वाले बिन्स हमारे भूटान हो गया, यह भूटान वाले बिनोड़ है इस बार ये बीज हमारा मिर्च का, और कुछ नेपाली वाले बो रखे हमने इधर। तो ये मिर्च की खेती है गाइस, इसमें लगाए हमने मिर्च, कुछ नेपाली मिर्च हमारे पास, कुछ भूटान के हैं, कुछ कश्मीरी भी हैं, इस बार कश्मीरी मिर्च लगाई है हमने, अभी दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में कश्मीरी मिर्च अगर अंधेरा नहीं होगा तो, क्योंकि 7:30 हो गया है, ये अभी अंधेरा हो जाएगा। ये छोटी सी क्यारी में हमने मूली लगा रखी है यहाँ, ये हाइब्रिड वाली मूली है, छोटी क्यारी बना रखी है, इसमें मूली लगा रखे हैं। और अभी ये आषाढ़ श्रावण मतलब 15-20 दिन में ये मूली हो जाएंगी, उसके बाद सलाद खाएंगे, उससे सब्जी बनती है। और जगह इतना ही है हमारे पास, ये पहाड़ में जगह कहाँ है, पहाड़ में तो बिहाव ठहरे, यहाँ पहाड़ी पहाड़ ठहरे, यहाँ यहाँ पहाड़ में जगह कम होने के कारण इतनी जगह है। तो गाय ये है पिरमो लम्फू, और ये दिन भर घूमता है इधर उधर, और रात को जब घर जाएगा तो लाइट चली जाएगी तो ये लम्फू जगा देता है, 1, 2, 3, 4, 5 लम्फू जलते हैं इस पर, तो ये लम्फू जगा देता है पिरमो लम्फू। तो ये है गाय भिंडी का बगान हमारा, ये भिंडी का बगान हमारा, देखिए ये इतने सारे जगह में भिंडी लगा रखी है हमने, देखिए ये छोटे छोटे जगह में, ऊपर नीचे पत्थर रखे हैं, पत्थर का चट्टा है यहाँ पर, वहाँ पे पत्थर हैं, और ये बीच में हमने भिंडी लगा रखे हैं गाइस, देखिए और भिंडी लगने वाली भी है, कुछ दिनों बाद फूल लग गए हैं भिंडी के। ये भिंडी की खेती है, नल को नीचे फेंक दूंगा मैं फिर, मैं क्या हो रहा है ऐसे है। तो ये सुनो महाराज, हमारे भिंडी खेती और भिंडी लगने वाले सुन थोड़ा दिन में, और फिर बेचल भिंडी के बाजार में 500 रुपये किलो पर, डबल कमोन पर, शराब लोन गरुड़ पर, शराब फोन शराब तो नहीं खाने बे, और के खा लोन मुर्गा लोन मटन लोन बेच बे, मुर्गा मटन खोल और भिंडी बिछुल बाजारों में 200 रुपये 500 रुपये किलो, खूब मेहनत करे भिंडी में यो, और बहुत बढ़िया भिंडी बढ़ा रहे हमारी यो। ये है भिंडी की खेती, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेडी फिंगर, ये लेडी फिंगर की खेती है हमारे गाइस, और बहुत महंगी मिलती है भिंडी आजकल, जो बाजार जो दुकानों में होने भिंडी आजकल तो बहुत महंगे, से 50 रुपये या 50 रुपये किलो से भिंडी पूरी मिल रही है हुकुमदार दुकान पर, तो 25 रुपये अब तो किलो लगा दी। तो अब हुकुमदारी की गलती से उन्होंने बेचोड़ होंगे, वही रेट मिली बहुत, तो उनको मारना चाहें 1-2 रुपये, और सब्जी नीचू आप आजकल घरों में। ये है गाइस मूली, अब चले गए हम मूली के बगान में, और बहुत ही अच्छी मूली हो रही है यहाँ पर सुरेंद्र सिंह के क्यारी में, जोरदार मुँह या मुँह पास पछाड़ में नहीं होना तुम्हारा मुँह, तो ये देसी मूली है, देसी मूली है, ये है तिब्बती मूली, तिब्बत से हम बीज जो लिभे आ रही है तिब्बत देश में, यह तिब्बती मूली है गाइस, और इसके मूली भी लग चुके हैं, देखिए नीचे ये मूली सवेर सवेर लग चुके हैं, ये अभी और बड़े होंगे, ये देखिए यह तिब्बती मूली है, यह तिब्बत का बीज है, इसमें देखिए आप मेरे घर में आपको हर जितने भी कंट्री हैं उसमें कहना 15-20 कंट्रियों की सब्जी मिलेगी आपको मेरे घर में। और यह है टमाटो, ये टमाटो है आपका सिंगापुर का, सिंगापुरी टमाटो,
ये फिरू के झाल में चला गया ऊपर ये। तो अभी खुदा रहा हूँ मैं मूली की खेती में, अभी पानी और हर दूसरे दिन पानी देना पड़ रहा है आजकल सब्जियों में रोज़, तो क्योंकि गर्मी बहुत है और आजकल दिन में लू चल रही है, लू मतलब लुआ पिघल जा रहे, इतनी गर्मी हो रही है आजकल, इसको लू बोलते हैं उसको। तो अभी कुदा रहे हम यहाँ मूली की खेती, तो ऊपर को ये मूली है और ऊपर को आपको भिंडी दिख रही होंगी, यहाँ को ये भिंडी की बगान है, ये मूली है और इधर को मिर्ची है यहाँ, और ऊपर को आपने देखे होंगे बैगन है यहाँ, बैगन ये मेरा शौचालय है यहाँ पर। तो करनी पड़ती है मेहनत, करनी पड़ती है तभी खाया जाता है घर में। और क्या है ये 10 रुपये का बीज है, ये 10 रुपये का बीज लेके 10 रुपये में बीज लेके आया हूँ बाज़ार से, और 2-3 क्यारी के लिए हो गया है, और कम से कम 5-10 बोरे मूली हो जाएंगे इस बार, और 5-10 बोरे मूली हो जाएंगे, बेचूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा सब्जी बेच के, और खूब सारा मजे करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा ऐस करूंगा। तो ये देखिए गाइस, एक पेड़ में 2 प्रकार के बैगन लगे हैं हमारे, ये पीले वाले बैगन आपने बहुत कम देखे होंगे, ये पीले वाले बैगन लगे हैं और इसमें ये वाले बैगन भी लगे हैं, ये देखिए 2 प्रकार के बैगन हैं इसमें, और नीचे भी दिख रहे होंगे आपको, नीचे कहीं दिख रहे हैं, एक पेड़ में 2 प्रकार के बैगन, वाओ क्या बैगन लगा रखे हैं 2 प्रकार के। तो नमस्कार प्रणाम पहला सभी दोस्तों को, कैसे हैं आप लोग। तो मैं सुरेंद्र सिंह दोसाद आपका स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का मेरे ब्लॉग सुरेंद्र दोसाद मेरे पहाड़ पहुंचा रहे मैं। तो अभी हम पानी डाल रहे हैं क्यारे में, शाम के बजने वाले हैं 7:45 और अब अंधेरा भी होने वाला है, दाना खाना में जरा लाल गाम लग रहा है, जब हम पहाड़ में किसी से जब दाना खाना में ब्याह अगर लाल गाम लगो ना तो रोड पड़ने का भी रोड, बारिश नहीं होने कभी तो आई रोड है बहुत समय तक, अब बारिश नहीं हो मैं बहुत परेशान सुन, आजकल लोग बाग बहुत परेशान सुन, लेके खेती बाड़ी में बहुत मुश्किल है गया उबराव खेती में। तो अब भी लगे हैं अभी कारोबार में, काम काज में, बैगन बैगन की सिंचाई कर रहे हैं अभी, मूली दिखाई आपको, मूली की भिंडी शिमला मिर्च सब लगा रखे हमने इस बार, और तो खूब देखे हैं मेरा ब्लॉग और डेली रूटीन। अभी ये लाई का क्यारी आ गया है, लाई की लाई बो रखी हमने यहाँ है, रात हो गया, अब 8 बजने वाले, 7:45 हो गए हैं, अंधेरा भी हो गया चारों तरफ, देखिए अभी ये पहाड़ में लाल घाम लगा, अभी देखो ये पूरा अंधेरा होने को आ गया है, ये कैमरा भी साफ नहीं आ रहा है अभी, ये लाई का बगान है, लाई भी जम गई है, आज नेपाली लोग ले गए हैं, नेपाली लोग ले गए हैं आज लाई तोड़ के यहाँ से। अंकल हरी सब्जी दे दो ना थोड़ा, कर रहे थे मैंने कहा ले जाओ बेटा, ले जाओ खाओ पियो ऐश करो। अब आगे हम शिमला मिर्च के क्यारे में ये लगा रहे दोस्तों, शिमला मिर्च पेड़, और ये शिमला मिर्च लगाओ पे गई, बस जोरदार पेड़ गई हूँ, रात है गया 8 बजने वाले सुनिए, ये 5 डालने वाले सुन, क्योंकि आप क्यारे बहुत ज़्यादा सब्जी से मेरे क्यारे में थोड़ा सब जगह छो, और जरा गर्मी से आजकल गर्मी ज़्यादा है तो रोड पड़ के तो बहुत पानी लगाना आजकल, वो तल तल लगने शिमला मिर्च छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, देखो ये शुरू हो गए हैं लगने कुछ दिन, आज थोड़ा दिन बाद शिमला मिर्च साख खून और गदुआ साख खून तोरा लगने, तोरा साख खून और फिर तितकरा लगने, तितकरा साख खून बहुत मेहनत करनी पड़ती है साग सब्जी उगाने के लिए, और अभी बीच में 2-3 बार ओले भी पड़े हैं गांव में, बहुत भयंकर ओले से भी बचा रखे हैं हमने, ये लोगों का तो बहुत नुकसान हुआ था लोगों के गांव में, साग सब्जी तो शिमला मिर्च बीन्स वगैरह वगैरह जो भी लगाए थे लोगों ने बहुत कटले गए थे, वो कार पड़ा जोरदार डाव पड़ा था, डाव से सब कटले गए हो, तो हमें बहुत सुरक्षा कर रही है, आपका कोट पेंट लगाए मेरे ने माथे पे बाढ़ लगा, कोट पैंट टाई उगरा उगरा जुटल सिम यार सब तब जरा तब जब ये बच गए नहीं, तो अब दाव नहीं होना चाहिए।
पिरमो आ गया, पिरमो पिरमो का जान रे मन लगा पिरमो नाब लंबू लंबू जगह आने रह गया। तो गए अंधेरा हो गया है पूरा, अब कुछ दिख भी नहीं रहा है, दिख भी नहीं रहा है पानी कभी इधर कभी उधर जा रहा है ये। और ये हमारे नींबू के पेड़ हैं, ये माल्टा के पेड़ हैं, माल्टा के इन्हें मैं पतला पानी डाल देता हूँ। ये माल्टा के हैं, ये फूल के हैं, ये और ये नीचे ये धतूरे के हैं जो सफ़ेद फूल दिख रहे हैं आपको, ये धतूरा है, ये भोले के शक्ति इनमें इसे छल छितर नहीं आता है बोले आजू बाजू में, तब लगा रखे हमने ये। रात बहुत होगा, पानी बहुत डालो उसमें, एक बार आज सुन रहा है दुई बार आज सुन डालो यानी कि 9 बज जाएंगे पानी डालते डालते आज ने। इधर है लौकी का बेल है, ऊपर ये गिठी का बेल है, ये गिट करने पहाड़ में गिठी गिठी झाल छो ये, और ये लौकी झाल से तल गई है, छरों जागम मार दिए क्यों ना हरे यो मेरा आफत आ रही है किताब होने की मिजा यो ये मोबाइल में ला रही है मास्टर मास्टर से मास्टर ये पिरमुल लंफू ये लाट जम्बान ये लाटी जीज ये सब यही ला रही है तो इसका फंड किताब है और गोंद बोतल दे रहे हो तो गोंद पे नहा कि है यो धर लाट गई लाट पैट बगरा पैट अछाड़ में जरत मुने खत्म कैट लंफो लंफो जगह उठाओ। तो गाइस अभी यहाँ आगे स्ट्रॉबेरी है हमारी, ये स्ट्रॉबेरी लगा रखे हैं यहाँ, ये स्ट्रॉबेरी का कंटर है यहाँ, और ऊपर का फूल फाल है, इधर नींबू है, गुलाब के फूल है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ये कतला झाल छो, या टमाटर छो देसी टमाटर, ये मिर्ची के पेड़ हैं, फिर ये तुम्हारा करेला आ गया इधर को, फिर ये तुरई आ गई इधर को, ये तुरई का बेल गया ऊपर तक, देखो ये ऐसे बना रखा मैंने, ये ऊपर पहुंच गया वहाँ लगे है तुरई ये, और ये बैगन का है, ये टेढ़े मेढ़े बैगन लगे इसमें, ये दथल वाल कुटा वाल दथल वाल बैगन ला रही हूँ, और यहाँ भी लगे हैं हमारे ये लौकी का बेल गया ऊपर, ये गीठे और लौकी का बड़ा पेड़ में जा रहे हैं, ये मीठे करेले लगे हैं वहाँ देख, मीठे करेले लग के तैयार है खाने की सब्जी, एक सब्जी बनी हुई है उनकी, और ये नीचे टमाटर हैं ये। तो थैंक यू सो मच गाइस, कैसी लगी आपको मेरे वीडियो ज़रूर बताना, और साग सब्जी कैसी लगा रखी हमने, कैसे हो रखे हैं ज़रूर बताना, और जब हो जाएंगे तो जिनको खाना होगा तो मेरे को बताना, मैं घर ही पहुँचा दूँगा, ठीक है। ये आम के पेड़ हमारे हैं नज़दीक में, घर के आगे ही आम का पेड़ भी है, ये इसमें भी आम भी लगे हैं ऊपर, ये कलमी आम है।